नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज की आपको सेवन पे कमीशन की लेटेस्ट न्यूज़ बताऊंगा 13 जनवरी के लिए। तो सातवें पे कमीशन की लेटेस्ट न्यूज़ थी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली, उन्होंने अनाउंस कर चुके हैं कि कोई और ज़्यादा पे कमीशन में कोई फ्यूचर नहीं होगा इस चीज़ के लिए। तो इसी मंथ पी राधाकृष्णन, मिनिस्टर ऑफ जो भी स्टेट फाइनेंस के जो मिनिस्टर हैं, वो एक स्टेटमेंट बना चुके हैं लोकसभा में कि कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी निर्माण नहीं होगा पे कमीशन का फ्यूचर में। एक गवर्नमेंट रडार पे, गवर्नमेंट बेस पे कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो ये आज की लेटेस्ट न्यूज है जो कि न्यू दिल्ली जनवरी 2018 13 जनवरी के लिए है कि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो वेटिंग जो इंतज़ार कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, विल नॉट, उनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी और अलाउंसेस नहीं मिलेगा, रिवाइज अलाउंसेस सेवन पे की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। और फ्यूचर में भी सेंटर ने जो भी इन लोगों ने डिसाइड लिया है कि कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा कमीशन का फ्यूचर में, इस सेवन पे कमीशन का कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो टॉप ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्टर के साथ रिपोर्ट हुई है, उन्होंने कंफर्म किया है कि न्यू पे कमीशन जो भी है वो इंक्रीज सैलरी और अलाउंसेस जो भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, और जो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पसंद कर रही है इस चीज़ को, कि वो इस चीज़ को फॉलो करना पसंद कर रही है कि जो इंस्ट्रक्शंस होगी सेवन पे कमीशन की के चेयरमैन की और ए के माथुर के द्वारा, जो कि पहले कह चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कि जो रिवाइज सैलरी है हर साल अकाउंट में ली जाएगी और डाटा इसका एक तैयार किया जाएगा और प्राइस इंडेक्स तैयार किया जाएगा। तो अर्लियर दिस मंथ जो पी राधाकृष्णन जो होती है स्टेट मिनिस्टर जो है फाइनेंस, इन्होंने स्टेटमेंट बना चुके हैं लोकसभा में कि कोई फॉर्मेशन नहीं होगा पे कमीशन का फ्यूचर में गवर्नमेंट रडार पर। तो ये थी आज की बेसिक न्यूज़। और उन्होंने एक चीज़ रखी है कि अगर फिलहाल के लिए इसी महीने के लिए कोई अनाउंस नहीं किया जाएगा सेवन पे कमीशन को लेकर, जो भी आगे होगा या जो भी डिक्लेयर किया जाएगा उसकी न्यूज़ फिलहाल के लिए रोक दी गई है, फिलहाल के लिए होल्ड की गई है। आगे आने वाली की खबर जो भी होगी, अपडेट होगी, उसके बारे में भी कुछ निर्णय ले लिया कि वो लेंगे इस चीज़ के बारे में, सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। तो ये थी सेवन पे कमीशन की लेटेस्ट न्यूज़ कि कोई फॉर्मेशन नहीं होगा पे कमीशन का फ्यूचर में आज की तारीख को लेकर। और उनका जो भी रिवाइज स्केल है, रिवाइज पे स्ट्रक्चर है, वो अकाउंट में प्राइस इंडेक्स पे लिया जाएगा। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर कोई अपडेट होता है लेटेस्ट न्यूज़ के लिए या कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसे मैं आपके लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूं, तो मैं ज़रूर करूंगा, ताकि कि आपको बराबर बराबर मेरी न्यूज़ की अपडेट मिलती रहे टाइम टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।